दोस्तों आज हम वास्तव में बात करेंगे बेडरूम की, कि बेडरूम में जब भी आप बेडशीट बिछाते हैं तो उसमें आपको क्या किन बातों का ख्याल करना चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज़ हमारे को ध्यान करनी चाहिए कि आप किसके बेडरूम में कैसी बेडशीट बिछाएं। अब इसमें सबसे पहली चीज़ आती है, अगर बच्चों के बेडरूम के बारे में बात करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों के बेडरूम में दोस्तों जब भी बेडशीट बिछाएंगे तो आप चटक कलर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बच्चों का ऑरा बहुत तेज़ होता है और उनके ऑरा को मैच करते हुए आपको उस बेडरूम का कलर डिसाइड करना है, उस बेडरूम का बेडशीट का कलर डिसाइड करना है दोस्तों। इसी के बाद आता है आपका कपल्स का बेडरूम। दोस्तों कपल के बेडरूम में आप हॉट कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस टाइप के कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं कपल के बेडरूम में, क्योंकि कपल का ऑरा बच्चों से कम होता है और बुजुर्गों से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे उनको और आगे उनको ग्रोथ में बहुत सहायता मिलती है अगर इस टाइप का, अगर पिंक और रेड का इस टाइप का ऑरा उनको वहाँ अपने बेडरूम में मिलेगा। बेडशीट दोस्तों ऑरा बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है, किसी भी ह्यूमन बीइंग का ऑरा उसकी बेडशीट भी डिसाइड करती है, क्योंकि कमरे में जब वो आदमी घुसता है तो उसको सबसे पहली चीज़ उसकी बेडशीट दिखती है और उसके उसका मूड, उसका मन उसी हिसाब से डिसाइड होता है। अगर कोई भी न्यूट्रल कलर आपने किसी कपल के बेडरूम में बिछा दिया तो वो ग्रोथ के बारे में नहीं सोच पाएगा, और इसीलिए दोस्तों ध्यान करना चाहिए जब भी कपल्स का बेडरूम आप डिसाइड करते हैं, कपल के बेडरूम में बेडशीट ले रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कौन सा कलर बिछाएं, तो इन कलर्स पे ज़्यादा ध्यान दें। हॉट कलर्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है कपल के बेडरूम में दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे जो आपके बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके कमरों में दोस्तों मैक्सिमम ट्राई करना चाहिए कि आप न्यूट्रल कलर का इस्तेमाल करें, वाइट्स पे जाएं, क्रीम पे जाएं, इस टाइप के कलर्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनका ऑरा बहुत सॉफ्ट होता है और उनके अगर रूम में आप कोई चटक कलर बिछा देंगे, रेड्स बिछा देंगे, तो उनका ऑरा को वो मैच नहीं करेगा और उनको वहाँ पे कंफर्ट नहीं मिल पाएगा, जो कि वाइट और इस टाइप के कलर्स आप जब इस्तेमाल करेंगे उनमें मिलेगा दोस्तों। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब भी दोस्तों किसी बच्चे के बेडरूम में अगर बेडशीट ले रहे हैं तो ध्यान कीजिएगा कोई चटक कलर, क्योंकि बच्चों का ऑरा बहुत तेज़ होता है, इसके लिए आपको चटक कलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए उनके बेडरूम में। साथ ही साथ कपल के बेडरूम में अगर करते हैं तो हॉट कलर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड और पिंक, इस टाइप के कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं। कोई एजिड के कमरे में अगर आप लगा रहे हैं, बेडशीट बिछा रहे हैं, तो आप वाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।